हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हो गया है संडे और हम सब सो के उठ गए हैं। थोड़ा सा हल्का फुल्का सा हमने नाश्ता कर लिया है क्योंकि सुबह सुबह फ्रेंड्स का कॉल आ गया कि मॉनसून फाइनली आ गया है। कब से उसका वेट हो रहा था, तो कहीं घूमने चलते हैं, कहीं सिटी से दूर चलते हैं, ऐसे खुले रोड पर ब्रंच वगैरह करके आते हैं। तो साजिद जी को पूछा मैंने, साजिद जी बोल रहे हैं हाँ ठीक है चलते हैं, आज छुट्टी का दिन है। फिर उसके बाद जो बड़े बच्चे हैं उनके एग्ज़ाम्स वगैरह भी हैं, फिर बकरीद भी है नेक्स्ट वीक, तो शायद पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और साजिद जी भी नेक्स्ट वीक जा रहे हैं, तो इसलिए हम लोगों ने प्लान बनाया है जाने का। अभी बस थोड़ी देर में निकलना है रेडी होकर के, बट उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि कल रात भर क्या मस्त बारिश हुई है। आइए देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, कल रात भर बहुत अच्छी बारिश हुई है और मौसम बहुत मस्त हो रहा है, तो इस मौसम में ड्राइव पे जाने में बड़ा मज़ा आने वाला है। तो बस हम सब अभी रेडी होकर के निकलेंगे और आपको भी लेके चलते हैं और घुमाते हैं एक नई जगह। हेलो, सो हम लोग आ गए हैं हमारे फेवरेट काठियावाड़ी। लास्ट टाइम एक बार और आए थे हम लोग यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने, गुजराती नाश्ता यहाँ पे बहुत अच्छा मिलता है, तो फॉर अ चेंज और अगेन हम अपने गुजरात हाईवे साइड जा रहे हैं रोड ट्रिप पे। कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, ये मैं साजिद जी से पूछ के आपको बताती हूँ। तो फिलहाल हम यहाँ पे ब्रंच कर रहे हैं और हम सारे फ्रेंड्स साथ में, इस बार लकीली हम पांचों की गैंग साथ में है। दो भैया नहीं है, उन दोनों को ऑफिस जाना था, बट शायद उनमें से एक भैया हमें ज्वाइन कर लेंगे, दूसरे वाले भैया कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम साथ में प्लान बनाएंगे। और बस सारे बच्चे अंदर मस्ती कर रहे हैं और हम लोग निकल गए हैं। माहिरा भी इसलिए नहीं मिली क्योंकि वो दूसरी गाड़ी में सारे बच्चों के साथ थी और हम यहाँ दूसरी गाड़ी में थे। चलिए अब काठियावाड़ी चलते हैं अंदर, थोड़ा गुजराती नाश्ता एंजॉय करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, पान, ब्लूबेरी पान, अरे पीछे हटना, कौन सा है ये, मघई पान, और ये देखिए चॉकलेट पान, वाटरमेलन पान, क्या वैरायटी ऑफ पान है यार, मैंने तो नॉर्मली पान खाया। ओके, सो हम लोग काठियावाड़ी से निकल गए हैं। वहाँ पे बहुत टाइम लग रहा था, आधे घंटे की वेटिंग थी बाहर बैठने के लिए और एसी हॉल उनका फुल था, तो हमने जस्ट वहाँ से समोसे पैक कराए हैं। ये देखिए गर्मा गर्म समोसे। और हम अभी आगे जा रहे हैं मनूर साइड, वहाँ जा करके हम लोग डायरेक्ट लंच करेंगे और फिर थोड़ा और आगे जाएंगे। और आगे कहाँ जाएंगे साजिद जी? विक्रमगढ़ जौहर नहीं, विक्रमगढ़ विक्रमगढ़ जौहर और आगे हैं, वहाँ जाएंगे। वो वहाँ से कितना दूर है? 40 किलोमीटर्स। और मैं आपको अभी दिखाती हूँ बादल मस्त वाले। हाय करिश्मा। हाय। चलो समोसे खाते हैं। हाय नवेश। नवेश, नवेश को आपने देखा होगा मायरा के बर्थडे व्लॉग में, मायरा का फ्रेंड है नवेश। आपकी मम्मा दूसरी गाड़ी में है। आपने आपने मुझे उस वाले व्लॉग में भी दिखा होगा, बच्चा पार्टी और पिलो फाइट। पिलो फाइट का। और मैं आपको जब हम लोग पहुंचेंगे ना, तब मैं आपको दिखाऊंगा ये हेलीकॉप्टर बहुत ही ऊंची तरीके से उड़ता है। ये क्राफ्ट का दीवाना है। क्राफ्ट के ना इतने सारे वो पड़े हैं, एनिमल क्राफ्ट, मुझे बहुत अच्छा लगता है इसे बनाना। Yes, नविश बहुत अच्छे एनिमल क्राफ्ट्स बनाता है और उसको बहुत मजा आता है। और मैं उसके घर पे पहले दिन गई थी और उसने मुझे सारे क्राफ्ट दिखाए थे। मनोर इज 46 और उसे थोड़े थोड़े क्राफ्ट टीच भी किए। ओके, मनोर इज 46 किलोमीटर फ्रॉम हियर, तो एक घंटा नहीं कम लगेगा, 35 मिनट। ओके चलो अभी पहले समोसे खाते हैं। यही वाली नदी है, थोड़ा बहुत तो पानी है, पिछली बार तो एकदम ही सूखी थी। ये देखो इधर दिख रहा है करिश्मा, राइट में साइलेंट हिल्स रिसॉर्ट। इसको छोटा। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने फ्रेम को फीस किया है जहाँ पे मनोज 3 किलोमीटर दिखा रहा है। तो गुजरात हाईवे पे जब आप यहाँ पहुँच जाओ तो यहाँ से आपको हाईवे के ऊपर नहीं चढ़ना है और नीचे से अबाउट टर्न लेना है। एग्जैक्टली यहाँ से एक राइट टर्न एंड देन वन मोर राइट टर्न एंड उसके बाद ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर पे एक लेफ्ट टर्न है, नीचे की तरफ रोड गई है जो कि साइलेंट हिल्स रिजॉर्ट की रोड है। वो रिजॉर्ट काफ़ी अच्छा है,
मतलब अगर आप वीकेंड पे एक शॉर्ट ट्रिप मारना चाहते हो तो आप आराम से जा सकते हो। ये हमारा थर्ड विजिट था वहाँ के लिए। वहाँ पे खाना भी अच्छा मिलता है, प्लस अच्छी जगह है, व्यू अच्छा है, पीछे एक ब्यूटीफुल सी रिवर है। आई एम नॉट श्योर वो पानी कहाँ से आता है, क्योंकि इससे पहले जब हम गए थे तभी बारिश नहीं हो रही थी और उस टाइम पे वहाँ का पानी सूखा हुआ था, बट अभी बारिश हुई है तो काफ़ी पानी भरा हुआ है। आई गेस वो ऐसे बारिश का ही पानी कहीं से उतर के बह के आता होगा पहाड़ों से, प्लस या मे भी हो सकता है क्रीक से आता हो। तो व्यू अच्छा है, जगह अच्छी है, सर्विसिंग भी अच्छी है, उसमें आपको वाटर पार्क है, रूम से अगर आप स्टे करना चाहते हो तो आप ज़रूर ट्राई करना। देखा साइलेंट हिल्स पहुंचने का रास्ता, मनोर से नीचे उतर करके लेफ्ट टर्न लेकर के यू टर्न लेकर के राइट टर्न पे ये आता है। पूरा रास्ता मैंने रिकॉर्ड किया, आपने डेफिनेटली देखा होगा। अभी हम एंटर हो गए हैं, यहाँ से हम एंटर हुए। ये देखिए यहाँ पे से छोटे छोटे से क्यूट क्यूट से हैं। मैं आपको ये रिज़ॉर्ट का भी टूर करा दूँगी अगर आपको यहाँ आना है। मनोर में वेदर बहुत अच्छा है। इस रिज़ॉर्ट के जस्ट पीछे एक नदी है, क्योंकि हम यहाँ पहले भी कई बार आ चुके हैं और अभी मॉनसून है तो नदी में थोड़ा बहुत तो पानी होगा। लास्ट टाइम पूरी सूखी हुई थी, पर आप और थोड़े टाइम बाद आओगे ना जुलाई सेप्टेम्बर में तो डेफिनेटली आपको नदी पूरी भरी हुई मिलेगी। और बहुत अच्छा एनवायरमेंट है, एम्बियंस है, यहाँ लंच वगैरह मिलता है, झूले हैं, वाटर पार्क है, काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ है करने के लिए। चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं। फ्रेंड्स, ये रहा हमारा रिजॉर्ट, ये उसकी रेलिंग और ये रही वो नदी, और देखिए इसमें अच्छा खासा पानी है। ये है वो हाईवे, आप देख सकते हैं, जिससे हम लोग अभी होकर के आए हैं, वो वाला, यस, उससे यू टर्न लेकर के वापस आए हैं अभी। और आप 1 महीने बाद आएंगे तो ये अच्छी खासी भरी हुई दिखेगी, क्योंकि मॉनसून जस्ट स्टार्ट हुआ है तो भी काफ़ी पानी है। हेलो बच्चों, हेलो बच्चों, माही हेलो करो साहब, हेलो नवेश, हेलो हेलो एवरीवन, बहुत मजा आ रहा है। मस्ती शुरू हो गई है, अब चलते हैं और कुछ खाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग मनोर के रेस्टोरेंट में पहुंच गए हैं और यहाँ पे बुफे चल रहा है, तो हम लोग लंच में बुफे करेंगे। हेलो हम लोग बुफे करेंगे और फिर हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा आगे तक जाएं, टच करके आए विक्रम। हम लोगों ने लंच वगैरह कर लिया है और अभी हम लोग निकल गए हैं विक्रमगढ़ की तरफ। और आपने देखा है कैसा रास्ता है, बहुत ही अच्छा रास्ता है, बारिश हुई है, बादल ही बादल है। बाकी मैं आपको दिखाते हुए चलती हूँ। मजा आ रहा है ड्राइव करने में। माय फेवरेट प्लेस। जौहर और अभी बज रहे एग्जैक्टली 5:01 और यहाँ पे आपने भी देखा बहुत ही प्यारी सी लेक है। अभी जाते हैं और आपको पास से भी दिखाते हैं वो लेक। हाँ जी बताइए। वेल, ये जगह मैं काफी बार आ चुका था, बट जब बैचलर्स था तब अपने दोस्तों के साथ आता था,
आई ऑलवेज थॉट कि एक बार शबान और माहिरा को लेके आऊँगा। हमने कई बार अटेम्प्ट लिया बट ये जगह पे बहुत बारिश होती है तो बीच जगह से ही लौट जाते थे, बट टुडे वी वर लकी, हम लोग आए हैं और साथ में फ्रेंड्स भी आए हैं। सो आई होप माही, माई फ्रेंड्स एंड शबाना लाइक दिस प्लेस। यस यस वेरी मच, सारे फ्रेंड्स भी आए हैं और सबको बहुत मज़ा आ रहा है, ये जगह सबको बहुत पसंद है। और ये देखिए आप मेरे पीछे जो व्यू है ना बहुत अच्छा है। क्या कर रही हो मायरू? वो रहा डैम। खत्म, देख लिया है हम लोगों ने ये प्यारा सा डैम था, वो एक्चुअली जहाँ वो पानी भरा हुआ था, पानी कम था, अगर बारिश अभी और होगी तो वो और भर जाएगा। तो अब हम लोग जा रहे हैं वापस। मैंने सोचा मैं ये व्लॉग की एंडिंग ले लूँ। आई होप आपको ये ट्रिप अच्छा लगा हो। हम लोग पहले गुजरात हाईवे से स्टार्ट किया हमने, और फिर हम लोग मनोर गए, मनोर से हमने विजयगढ़ टच किया, विजयगढ़ से जौहर आए, और वहाँ से एक लेफ्ट साइड अदर टर्न लेके कुछ 2-3 किलोमीटर पे था जय सागर डैम था, विशाल ढाबा के एग्जैक्टली ऑपोजिट पे है ये। तो बस अगर आप लोग भी मुंबई के हैं तो यहाँ ज़रूर आइए, बड़ा मज़ा आएगा। बहुत ही पीसफुल था, बहुत ही अच्छा था, पानी में भी गए हम लोग, इट वॉज़ लाइक क्रॉसिंग अ रिवर, बड़ा ही मज़ा आया। तो बस मैं ये ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगा हो, प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय। बच्चे लोग बाय बोलो, बाय बाय बोलिए, बाय।